सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने हड़कंप मचा रखा है। ये वीडियो किसी आम शख्स का नहीं बल्कि एक बीजेपी नेता का है जिसने बेशर्मी की सारी हदों को पार कर दिया है। सत्ताधारी बीजेपी के नेता ने महाराष्ट्र में एक चलती बस में ऐसी शर्मनाक हरकत की जिससे न सिर्फ इंसानियत शर्मसार हुई है बल्कि खादी पर भी बदनामी के धब्बे लगे हैं। जी हाँ, वीडियो में सत्ताधारी बीजेपी का एक युवा नेता रविंद्र बावन थड़े युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाई दे रहा है। मामला गढ़चिरौली जिले के चंद्रपुर का है जहां बस की पिछली सीट पर बैठा बीजेपी नेता एक युवती के साथ कुकर्म कर रहा है। जब ये घटना हुई तब बस यात्रियों से भरी हुई थी। यह पूरा मामला बस में लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो वायरल होते ही उसमें दिखाई दे रही युवती सामने आई और उसने पुलिस में रेप का केस दर्ज करवाया है। युवती का आरोप है कि उसे नौकरी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया गया था। साथ ही आरोपी ने उससे शादी का वादा भी किया था। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी नेता रविंद्र बावन थड़े अभी फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। सत्ताधारी पार्टी के नेता से जुड़ा मामला होने के वजह से पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। वहीं वीडियो वायरल होते ही सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। बीजेपी नेताओं ने इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया से इनकार किया है। वहीं इस मामले की जांच के बाद कुछ बयान देने की बात कर रहे हैं। हालांकि BB लाइव इस खबर की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है। तो वीडियो वायरल होने के बाद नेता जी तो भूमिगत हो गए लेकिन इस हरकत से महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से घिर गई है। हालांकि अभी इस वीडियो की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि महिला के आरोपों में कितना दम है। देखते रहिए DB लाइव।